इतना जरूरी क्या है? सिचुएशन कैसी? अगर पगा दूंगी पगा शाम कर दूंगी टेस्टिंग चले या सरो के बाद आपका वो पीडीडी वाले फिर कनेक्शन नहीं देते सॉरी करता आज भी उनके सारे उनके साथ हमने नीचे की आज भी नहीं था हाँ हाँ सर बोलो सर बोलो सर मैंने डिस्चार्ज से बात की सर क्या कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता। ये जो मेडिकल एजुकेशन एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और पैंडमिक में कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं, कोई बड़ा दिन नहीं, कोई छोटा दिन नहीं। हमारे लोग दिन रात काम करते हैं इसलिए ताकि ये जो कोविड पैंडमिक है इसके साथ हम अच्छे से लड़ पाए और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस वबा से हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा हम जीतेंगे। हमारी जो आज ये प्रेपरेशन हम देखने आए थे यहाँ हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ 500 LPM लग रहा है ना ऑक्सीजन प्लांट, तो इसको हम मुझे लगता है कल ट्रायल होगा, कल से स्टार्ट होगा। इसके बगैर भी हमारे यहाँ बल्क सिलेंडर्स है, मीडियम सिलेंडर्स है, जो अभी पेशेंट भी एडमिट है 8-10 पेशेंट्स अंदर एडमिट भी है जिनको ऑक्सीजन मिल रहा है। हाई फ्लो ऑक्सीजन भी मिलेगा, मीडियम फ्लो ऑक्सीजन भी मिलेगा और लो फ्लो ऑक्सीजन भी मिलेगा। हम उससे ये गुजारिश रहेगी कि लोग भी कॉपरेट करें, SOPs का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड हैंड हाइजीन। कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 100 रुपये का भी खर्चा नहीं है, कोई भी ये अफोर्ड कर सकता है वो ये करें, वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेटेड जो पेशेंट हमने देखा, जिस बंदे ने भी वैक्सीन किया, जिस डिपार्टमेंट के लोगों ने वैक्सीन किया, वहाँ उनका रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है, उनको लगता ही नहीं है कोई, अगर लगेगा भी क्योंकि ये नाक और इधर तक तो जा सकता है, उसके बाद वैक्सीन की प्रोटेक्शन आती है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, वो क्रिटिकली इल नहीं होते, उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और वो उनमें मॉर्टेलिटी भी कम है, मरने के चांसेस भी बहुत कम है। इसलिए वैक्सीन करना ज़रूरी है, वैक्सीन से पहले भी, वैक्सीन के बाद भी SOPs का ध्यान रखना है। बाकी जो डिपार्टमेंट को करना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे ये प्लांट्स लगे 1000 LPM लीटर पर मिनट, यानी कि एक प्लांट हमें 1000 liters पर मिनट दे रहा है ऑक्सीजन, जो उसके बगैर जो सिलेंडर्स होते हैं चाहे बड़े हो छोटे हो वो भी है हमारे पास। बेड्स की इस वक्त अगर अवेलेबिलिटी देखी जाए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में बेड्स काफ़ी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे बेड्स ऑक्सीजनेटेड बेड्स, पूरा जो हमारी तैयारी है पूरी है और बराबर है। हमने सेकंड लेवल भी रखी है, जैसे अभी मैं दूसरी जगह भी जा रहा हूँ वहाँ कोविड केयर सेंटर है यहाँ अकूरा, वहाँ भी हम देखेंगे, वो इसका सेकंड सपोर्ट है, जहाँ ज़्यादा हुए कहीं और ज़्यादा हुए ताकि वो बेड्स भी हम इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट ने 2-3 सिस्टम रखे हैं लोगों के लिए, अब लोग कॉपरेट करें, बाकी गवर्नमेंट इज़ ऑन टोस्ट।